मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कल क्या है, अचानक से वीडियो एंड कर दिया क्योंकि रात में थक भी गए थे, तो पता भी नहीं चला मैंने कब वीडियो बंद किया, मतलब रिकॉर्ड करना। तो इसीलिए अभी आज हम लोग आए थे बैंक में, अभी टाइम है आधी घंटा अपॉइंटमेंट में, तो GIC खुलवा लेंगे। और फ्रेश को भी गए थे जॉब का पूछने के लिए, पार्ट टाइम जॉब का, तो मैनेजर दिखा, बात की, अभी रिज्यूमे प्रिंट कराएंगे कॉलेज से फिर जाएंगे। यहाँ पे स्कॉशिया बैंक भी है, CIBC बैंक भी है, फ्रेशको भी है और बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे। और ये पूरा पार्किंग एरिया मस्त एकदम बनाया हुआ है। एक दो शॉप में भी हम लोग गए थे, मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछने के लिए, तो अवेलेबल तो है, बस रिज्यूमे आ जाए ना हमारे हाथ में प्रिंट करा के, उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हर जगह, वो तो लग ही जाता है। देखते हैं ना क्या काम मिलता है, पता चलेगा। तो मेरा बैंक का काम फाइनली हो गया CIBC में, तो यहाँ पर लगभग कितना, 20 आधे घंटा लगा, आधे घंटे का काम था अराउंड, क्योंकि मैं था। हाँ ये था, इसीलिए आधे घंटे का काम हो गया। ये ऑलरेडी आ चुका है ना, इसका अकाउंट खुल गया, इसने पूरा बता दिया मुझे क्या कैसे है, सब पता ही था मुझे, तो फटाफट हो गया काम। बाकी डेबिट कार्ड लगभग 2 हफ्ते में आ जाएगा मेरे पास। और बारिश गिरनी चालू हो गई। हाँ लगता था। अभी आए जब घुसे थे ना बैंक में, कितनी धूप थी, अचानक से देखो पूरा मौसम बदल गया। और ये बैंक में भी काम हो गया, डेबिट कार्ड मिल गया मेरे को, अभी एक्टिवेट हो गया है और क्रेडिट कार्ड आ जाएगा 2 हफ्ते के अंदर। अच्छा अभी जाएंगे कॉलेज, रेज्यूमे प्रिंट कराएंगे, बस देखते हैं कहाँ पर है और चलते हैं। यहाँ पे ना पेडेस्ट्रियन की बहुत ज़्यादा इज्जत है, लास्ट लोगों को बताया ही था मैंने तो। अच्छा मौसम एकदम ज़ोरदार कर दिया, बारिश नहीं है तो अच्छा है यार, बारिश आ जाएगी तो। थोड़ी देर पहले ना बारिश हो रही थी वहाँ पे, मतलब बारिश प्रॉपर नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और अभी नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, फिर मतलब वेदर नॉर्मल हो गया अभी एकदम। तो घर से ना ओरियो का पैकेट ले लिया, अभी 5-6 बिस्किट खा लेंगे और निकल जाएंगे। अभी हम लोग है ना भटक गए, हमको जाना था इस साइड जहाँ पे अभी जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पीछे चले गए, पता ही नहीं चला। अब बस आएगी आगे 15-20 मिनट में, तो आधा किलोमीटर है अभी, फटाफट बस स्टैंड जाते हैं फिर बस का वेट करेंगे। और कल कार्ड बनवा लिया था मैंने, ये वाला हेरा बस पास, फटाफट काम हो जाएगा ना। ये बस स्टैंड है, 7 नंबर बस यहाँ पे आएगी, कॉलेज जाएंगे अभी। थक गए ना, पहले वहाँ गए, आराम से 1 किलोमीटर हो गया होगा अभी, है ना, 1 किलोमीटर आराम से चल लिया, हमको आना इधर था 400-500 मीटर था, तो 500 मीटर उधर भी चले गए, फिर वापस इधर आए 1 किलोमीटर, दम निकल गया। और मास्क है ना मैंडेटरी है बसेस में, तो इसलिए मास्क भी लगाया, उतर के वापस खोल देंगे। पर ना बस का सिस्टम ऐसा होता है, ये 154 को बस आने वाली है, अभी 152 हो रहा है, तो बस हमारे घर के लोकेशन से बस स्टैंड इतना दूर था, तो हम लोग आए और अभी बस जाएंगे, फिर कॉलेज से 350 मीटर दूर उतार देगा, तो फिर वहाँ से कॉलेज पैदल जाएंगे। नॉर्मली 3.15 लगता है, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पास बनवा दिया, ये मेरे हाथ में है, तो अभी अनलिमिटेड है 15 दिन के लिए, तो अनलिमिटेड है राइड, तो टेंशन नहीं है अपने को, कभी भी कहीं पे भी घूम सकते हैं। 7 नंबर बस आने वाली थी, बस स्टैंड की तरफ हम लोग खड़े थे, और बस दूसरे डायरेक्शन से आके निकल भी गए, रुका भी नहीं, देखा भी नहीं, साला यहाँ का सिस्टम समझने में बहुत टाइम लगने वाला है बस का। अभी फिर से जहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हैं, उधर बस आएगी शायद, ये बोल रहा है सूरज, मेरे को भी आइडिया नहीं अभी क्या सिस्टम है, लेट्स सी क्या होता है। वॉकिंग करते करते ही थक गया यहाँ पे। 1C और 2 ये दो कॉमन बस है क्या? ये 1C बस आएगी, 2 आया तो 2 देखिए। एक बस यहाँ पे, बस का सिस्टम बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा हम लोगों को यार। अभी वो दूसरा जो वहाँ पे बस छोड़ के गई थी हमको, उसने बोला कि पीछे बस थी 1C उसमें जाओ, फिर 1C में मैंने कार्ड टैप किया, वो बोलते कि वो कॉलेज नहीं जा रही, दूसरी बस आएगी उसमें जाओ, तो दूसरी बस का वेट कर रहे हैं, साला बहुत लफड़ा है बस का, अभी पता करना पड़ेगा कि कॉलेज चालू होने के बाद ऐसे लेट करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, फिर क्लास वाला छूट जाएगी, फोकट में मार्क्स जाएंगे, कुछ सेंस नहीं बनता। और ऐसा नहीं कि हम लोग मैप्स फॉलो नहीं करते, मैप्स में देख रहे फिर भी बता रहे हमको कि बस स्टैंड इधर है, बस वहाँ से आके निकल जा रही है, बोल बस स्टैंड इस साइड है, बस वहाँ से आ रही है और जा रही है बिना देखे बिना रुके। अभी 7 नंबर बस गई थी। बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा, लेकिन समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिर टेंशन नहीं है। घर से अभी निकले थे बस के लिए, 2 घंटा हो गया, अब पहुँचे कॉलेज 2 घंटे बाद, धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा जैसे जैसे पता चलेगा कहाँ जाना है। ये जिम वगैरह सब स्पोर्ट्स का सब इसके अंदर होता है कॉलेज में, इसको बाद में कभी किसी और वीडियो करेंगे इसको, है ना।
पे, हाँ वापस यहाँ पे आएंगे, दम निकल जाएगा। हाँ एक दिन पूरा दिन इसके लिए आएंगे खाली, मस्त दिखाएंगे आपको भी, हम भी थोड़ा घूम लेंगे। हाँ भैया मिले, उन्होंने बोला स्टूडेंट कार्ड आदमी बनने वाला है, लेकिन लाइब्रेरी खुली है तो शायद जेरोक्स हो जाएगा आज, तो लाइब्रेरी में जा रहे हैं। लाइब्रेरी क्लोज है आज, तो आज कुछ काम नहीं हुआ, आज खाली घूमना हुआ है, थक गए भाई साहब कसम से। ये डायरी यहाँ से लिया हम लोगों ने, देख लेंगे इसमें क्या सिस्टम है। कॉलेज अपने मंडे को घूम ले, कॉलेज मंडे को घूम ले, कॉलेज को मंडे घूम लेते हैं, चलते हैं अभी। आज कार्ड भी नहीं हुआ, जेरोक्स का भी काम नहीं हुआ, मतलब कल भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, रिज्यूमे भी नहीं है, तेरे को भी प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा फिर से। ये डेली प्लानर ले लिया 2022-23 का, पढ़ लेंगे इसको थोड़ा बहुत, कर लेंगे काम आ जाएगा। किसी और स्पेसिफिक वीडियो में कॉलेज का टूर बनाएंगे मस्त। अभी 4 बज रहे हैं, 3:40 हो रहे हैं। क्या वीआईपी के लिए ना? हाँ लो करो। अच्छा तो वीआईपी कौन है? बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ओ ऐसा है क्या, मुझे लगा तो अपनी बात कर रहे कि मास्क पहन लो क्या? नहीं हाथ में था तो पहन लिया, जेब में डाल ले। तो कॉलेज के अंदर भी खाने पीने का पूरा सामान है, वहाँ पे कैंस वगैरह भी, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह सब मिलता है, यहाँ पे खाने पीने का भी एटीएम सब। हाँ ये कॉलेज का कैंटीन वगैरह यहाँ पे, बाकी पूरा तो मैं आपको आराम से बाद में दिखाऊंगा। अभी अभी बस पे बैठ गए हैं, अब सीधा यहाँ से घर जाएंगे ना, सीधा घर जाएंगे। और ये वीडियो अभी एंडिंग कर रहा हूँ मैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में।